नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल गजेंद्र कुमावत में। तो आज हम सीखने वाले हैं वॉल क्लॉक मशीन को कैसे रिपेयर करें। बहुत ही इजी है गाइस, हर कोई कर सकता है एंड बहुत ही इजी है। सो इसे सीखने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा 2 से 3 बार, तो आप आसानी से सीख पाएंगे इसे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं यानी गजेंद्र आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप वॉल क्लॉक को रिपेयर कर सकते हैं, वॉल क्लॉक मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक है। तो इन मशीन्स को साइड में रखते हैं हम। हमारे पास बहुत सारे ऐसी मशीन हैं जिनके साथ आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको सीख सकें ऐसा जो आपको दे पैसा। ओहो नाइस। सो ले लेते हैं कुछ मशीन्स जिससे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो एक मशीन लिया हमने जो कि ऑर्मो की है, काफ़ी अच्छी मशीन है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा ट्वीज़र। तो ये है हमारे पास ट्वीज़र इसे निकालने के लिए। आप इसे इजी और आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, बट थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो आप हल्के से प्रेस कीजिएगा, आसानी से निकल जाएंगे। सो इस तरह से आपको इसमें निकालना है, काफ़ी इजी है, हर कोई कर सकता है इसे। सो ये है इसके अंदर का कुछ। यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है और ये गियर से कुछ, इन्हें आपको आसानी से देखना है, समझना है और निकाल के फिर से लगाना है। मशीन को आप देख लीजिए आराम से, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि आपको कोई इशू ना हो मशीन को दोबारा फिट करने में। वीडियो को आप स्लो स्पीड में देख सकते हैं अगर आपको कुछ इशू होता है लगाने में। तो सो देख सकते हैं ये मशीन के ऊपर के 3 गियर्स थे एंड मशीन के अंदर अंदर की भी कुछ गियर्स रहेंगे। तो ये नीचे कॉइल रहती है एंड कुछ गियर्स रहते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस देख सकते हैं इतने सारे गियर्स रहते हैं जो एक वॉल क्लॉक मशीन के अंदर लगे हुए रहते हैं। अब हमें कॉइल को भी चेक करना है, कॉइल में कार्बन तो नहीं लगा हुआ है। तो कॉइल को हमें आसानी से निकालना है ताकि इसको कुछ डैमेज ना हो। तो ये कॉइल के नीचे के 2 पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे पावर जाता है, इसे हमें क्लीन करना रहेगा। हम किसी भी शार्प चीज़ से इसे साफ़ कर लेंगे ताकि जो भी कार्बन रहेगा वो साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पावर का फ्लो जो रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो सही रहेगा, तो हमारी मशीन भी सही से वर्क करेगा। तो इस तरह से आपको साफ़ कर लेना है इसे, ताकि सभी कार्बन को आसानी से आप निकाल सकें। बहुत ही सिंपल है ये, आसानी से आप कर सकते हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप सीख जाएंगे। जब भी आप मशीन रिपेयर करें तब आपको इसके टेस्टिंग करना ज़रूरी है। बिना टेस्टिंग किए हुए मशीन को आप नहीं लगाएं, टेस्टिंग करके ही लगाना चाहिए आपको। अब हम गियर्स लगाएंगे, तो इन्हें आप देखिएगा, बहुत ही इजी है, एक बार आप सीख जाएंगे तो। तो यह वाला गियर है जो हम यहाँ पे लगाएंगे, ये बीच वाला रहेगा। ये देख सकते हैं आप। एंड अब सेंटर वाला लगेगा इसमें। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट बेनिफिशियल रहेगा, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो यह फिटिंग आपको हमेशा याद रखनी रहेगी, आप एक बार सीख जाएंगे तो बहुत इजी है, कोई टफ चीज़ नहीं है। प्रॉपर गियर को हमें लगाना है तभी मशीन प्रॉपर वर्क करेगा। आप इसमें ऑयलिंग भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ इश्यू लग रहा है गियर्स में। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं।
सो देख सकते हैं मशीन वर्क करने लगा है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वर्क कर रहा है ये। अब इसे फिटिंग करना होगा, फिटिंग करने के बाद आपको टेस्टिंग करना होगा। इसे टेस्टिंग करने के बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं रिपेयरिंग में। सो कैसा लगा आज का वीडियो, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी ज़रूर करें, कमेंट करें अगर कुछ मिसिंग है तो। इसमें इसे फिट करना होगा हमें, फिट भी आसानी से हो जाएगा यार एक ही बार में। सो ये कंप्लीट हो चुका है। सो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा एंड बेल आइकन को भी दबाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।